मन बंसी वाले क्यों लड्डू गोपाल कहते हैं, मोहन बंसी वाले क्यों लड्डू गोपाल कहते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। कोई काना कोई कहता बनवारी, कोई वंशीधर घनश्याम कोई कहता गिरधारी, कोई नंद का लाला कहता कोई कन्हैया श्याम है। इन नामों में इनका एक लड्डू गोपाल भी नाम है। क्यों लड्डू गोपाल रूप में मोहन पूजे जाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। ब्रजभूमि में कृष्ण भक्त एक रहता था, कुंभन दास था उसका नाम, वो कृष्ण की भक्ति करता था। शाम सवेरे केवल कृष्ण के रूप को ही वो पूजता था, इसके सिवा कुछ कुंभन दास को कुछ भी तो नहीं सूझता था। कृष्ण भक्ति में खोकर हर पल कृष्ण के भजन वो गाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। सेवा में ना पड़ जाए किसी तरह की कोई बाधा, इसलिए वो कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं आता जाता। एक बार वृंदावन से भागवत करने का आया न्योता, पहले तो भागवत में ना जाने का उसने था सोचा। सोच के कुछ भागवत में जाने का विचार बनाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। दास का एक पुत्र था रघुनंदन था जिसका नाम, कुंभन दास ने पुत्र से बोला करना बेटा तुम एक काम, वृंदावन में भागवत पढ़ ले मुझको तो अब जाना है, मेरे पीछे से तुमको ठाकुर जी को भोग लगाना है। पुत्र को समझा कर भागवत में कुंभन दास जी जाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं।
जैसे समझाया था रघुनंदन ने वैसा किया। भोग की थाल को रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे किया। विनती करी फिर ठाकुर जी से भगवान जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ ठाकुर जी आकर भोग लगा जाओ। रघुनंदन की विनती सुनकर ठाकुर जी नहीं आते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। रघुनंदन ने सोचा था ये ठाकुर जी स्वयं आते हैं। स्वयं आकर ठाकुर जी अपने हाथों से ही खाते हैं। लेकिन रघुनंदन की विनती सुनकर जब वो नहीं आए, ऐसा देख के रघुनंदन की आंखों से आंसू आए। जोर जोर से रुदन कर रघुनंदन उन्हें बुलाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। का रुदन सुन के भगवान का मन पिघल गया। भक्ति भक्ति देख के ठाकुर जी ने बालक रूप धरा। भक्त की करुण पुकार सुन ठाकुर जी आ जाते हैं। भोग रखा था जो थाली में उसको खाने लगते हैं। मूर्ति से बाहर आकर भोजन वो सारा खाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। जब घर आए पिता बेटे से उन्होंने बोला, तब मुझको भी थोड़ा प्रसाद दे दो रघुनंदन। अब रघुनंदन ने बोला भोजन ठाकुर जी ने सब खाया। ठाकुर जी का बाल रूप मेरे सामने थाया। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर कुंभन दास चकराते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। दास ने पुत्र से बोला भागवत करने जाता हूँ, भोग लगा देना तुम जल्दी वापस लौट के आता हूँ।
लेकिन कुंभन दास भक्त छुप के वहीं पर खड़ा रहा। कुंभन दास के पुत्र ने ठाकुर जी के आगे भोग रखा। रोज की तरह भोग को ठाकुर जी खाने तब आते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। दास ये सब कुछ छुप कर देख रहा था खड़ा खड़ा। दौड़ के आया कुंभन दास और ठाकुर जी के चरण पड़ा। ठाकुर जी के बालक रूप में एक हाथ में लड्डू था, दूसरे हाथ से एक लड्डू मुख में जाने ही वाला था। इसी अवस्था में ठाकुर जी भक्तों जड़ हो जाते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं। रूप में ठाकुर जी तब से पूजे जाते हैं, इसीलिए ही ठाकुर जी लड्डू गोपाल कहते हैं। घर घर में लड्डू गोपाल की रूप की पूजा होती है। इनकी पूजा से शर्मा की सारी चिंता मिटती है। अपने भक्तों की खातिर ये रूप बदल कर आते हैं। आओ लड्डू गोपाल की तुमको कथा सुनाते हैं।